हाँ मैं फर्स्ट आते मेरे को पिछले पार्टी में देती। अयान को एडमिट करा दो यार, ये परेशान हो रहा है। इसको भी हटा दो, ये भी नहीं मान रहा। अयान को दो बच्चों से अलग रखो। आज बहुत मजा है क्योंकि आज मेरे फेवरेट राजमा चावल बने मेरे खाने में, तो आज मेरा दोस्त मेरे साथ ही बैठे। दुख का खत्म नहीं होता बे। और सबसे बड़ी बात, चिकन में बोला था रात को दीदी मैं तब सोऊंगा अगर वो मेरा कोई गिराएगा ना, तो मैंने एक भी नहीं गिराने दिया। देख सब सेट रखो। ये मतलब क्या है? क्या बोलते मुझे नहीं पता। ये घर है, एक और घर है, और ये मम्मा है, पापा है, दूसरी मम्मा है, मैं हूँ, दादा है, सबके अलग अलग घर है। तो राम निकला रहे, देव मानुष निकला रहे। गाइस अभी मैं खा रहा हूँ खाना, और सारे बाल कर लिए खराब, इतने अच्छे बनाए थे मैंने। दीदी हाँ जी, मेरे को ना वो दसवें फ्लोर से ना मेरे को ना कर्दन वाला वो पक्का ले जाता हुआ, लेट तो हो गया। तो गाइस को कह रहा कि मुझे वो चाहिए चाहिए, तो मैंने आंटी और दीपक को भेजा नीचे। आपको लिया होगा, ये गया नीचे तो सारा सामान जो खिला देगा, जो उसके टॉयज है, और टाइम लगा देगा और इसी हो जाएगी। गाइस लेके आ चुके मेरा 200 प्लस की गेट। तो उसका क्या करेगा, वहाँ पे कंटेंट करूंगा। इस लड़के के पास ना कम से कम 3 से 4 आ गए, और इसकी चौथी है। सॉरी यार ये बात तो गलत है, इतने कलर है। ये बात तो गलत है, अगर तूने खराब की है तो खराब पूरी किया है। ये देखना दीदी बता रहे हैं कि खराब किए है तूने। खराब नहीं छोड़िए, पहले तूने खराब किए होंगे ना। क्या कर रहा है चिकू? चेंजिंग। क्या चेंजिंग? ले चेंजिंग होगी। कुछ तोड़ दिया भाई तूने, कौन सी चेंजिंग की है? और ये आते तक तेरे टूटा होगा। क्यों क्या, कोई ना कोई हाथ लगा देगा। नहीं क्या सफाई नहीं होगी चिको? वो तोड़ना। अरे जब सफाई होगी तो साइड पे तो करना ही पड़ेगा। नहीं मैं जी को उनको बुला रहा हूँ। तो मैं आज ना दीदी बच्चों पास सो रहे थे, और मैं दीपक मम्मी चीकू एक रूम में सो रहे थे। तो वैसे तो दीदी आंटी आती खाने चीकू को, चीकू उठ जा स्कूल जाना है, तो आज चीकू उठ के बैठ गई। दीपक उठ स्कूल जाना, मुझे स्कूल भेज दे। मेरे को बोलते हैं मैंने कहा अभी 4 मिनट है, सो जाओ वापस। अपने खुद उठा आज 4 मिनट। नहीं आंटी 7:30 बजे आती हूँ, इसलिए मैंने कहा सो जाओ अभी 4 मिनट है, 7 बजने में। 7:30 तो अबू है, 7:40 उठाते ना। ठीक है उनका चार तो बोला, मैंने सही बोला 4 मिनट है, चिपक सो जा। वो कह रहे हैं 10 मिनट लेट हो गए थे अभी। हाँ है दीदी इधर आना, वो दूर से बोल रहे हैं दीदी इधर आना। इधर आके क्या कहेगा? 10 मिनट लेट उठा है। पर एक चीज चीज को खुद उठा अपने आप। हाँ, मेरे को बोलता स्कूल है 4 मिनट के साथ भेजने में। 4 मिनट के साथ में, 4 मिनट से बताओ। हाँ जी कल जा रहा था पानी, तो आज भी डालू? अगर सूख गया तो डाल, थोड़ा हार्ड होगी तो डाल। और ये चीकू धूप में ये तो खिलता है, अगर तूने छांव में रखा हो कैसे खिलेगा? ये इंडोर होएगा, ये पहले पूछ के आना था, इंडोर अशर। हां तो पे रखने पर खिलता है वो गंदा। इंडोर अंदर नहीं है, ओनली स्पेशल के इसको दिखा रहे उतारे इंडोर का और गाइस कमेंट कर। ये पहले ही था उससे कुछ चीकू, चीकू बता ये नहीं था, टूट गया था, अब नया होगा। झूठ, ये देखो कल नहीं था। सूरज भाई जा से आए, मैं लेके अंदर ना जो हल्का या सी केशव नहीं मानता, कल टूट गया था, चलो फिर चिक यानी कि तूने तोड़ा होगा तभी टूटा। ए क्या कर रहा है अबे, क्या होगा लगता है? बाय बाय बाय, मिलते हैं अगली दफ्तर। बाय। तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ स्कूल, स्कूल जाने के बाद आपको मिलते हैं। मैं स्कूल से आ चुका हूँ, तो मैं अभी जा रहा हूँ मम्मा के पास, मैं खाना खाऊंगा, मम्मा से थोड़ी बात करूंगा। वो नारियल पानी अंकल वाले चले गए यहाँ से, घर पे लाए हुए आज नारियल पानी। हाँ पीना हो तो घर पे भी लियो, नारियल पानी पड़ा है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ ट्यूशन। बाय बाय। ऐसे थोड़ी बोलते हैं, पहले खाना फिनिश करते थोड़ी होता है। लक्ष्य जाना ही नहीं ट्यूशन, ना जान दे बहाने ने। आज मैं भी पढ़ने जा रही हूँ, मेरी तो कॉपी किताब ही नहीं लाई हूँ मैं तो। अरे इसके लिए जो ना, इसकी और तेरी बात तो एक ही है चिकू। क्या अभी कौन सी क्लास में?
ठीक है मैं सेकंड वाली पढ़ लूंगी, ऐसी मैंने पढ़ाई नहीं की। अच्छा जल्दी लेट हो रहे चिकू, मैं चेक कर लेती हूँ। खेल लेके जाने? अरे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? स्कूल थोड़ी जा रहा हूँ। अच्छा अरे फिर भी खाना तो लेके जाते हैं चिकू, या मैं तो खाने के लिए आती हूँ पता। चिकू देख बच्चों का भी खाना खा जाती है, अब तेरा खाना देख रही है। शर्म नहीं आए है? शर्म नहीं आए तुझे? एक कहीं से भी खाना मिल जाए। तो खाने ही नहीं है, कुरकुरे चिप्स कुछ तो नहीं है खाने? वो भी नहीं, क्लास में खाली मैडम तो देगी। हाँ मैडम दे देगी तुमको, मैडम देगी ना? ठीक है सच्ची से मैम को देती है। अरे फिर तो मैं पूरा 4-5 घंटे बैठ जाऊंगी चिकू पढ़ने के लिए। चच्ची तेरे को तो वैसे भी दे देगी मैडम। ठीक है मैं पढ़ाई तो करूंगा। चच्ची का नाम नहीं चलता? चाची का नाम बहुत चलता है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ खाने के लिए दे देगी। बड़ा दोस्त है मेरा नाम। चलो गाइस ट्यूशन चलते जल्दी। अच्छा आज तो बहन तूने भी पढ़ना है, तेरे को भी उठाना पड़ेगा। ठीक है हाँ साहब, अभी ये के अंदर जाते हैं, चिकू को दे दूंगी मेरी बहन। हाँ ये ठीक है, ठीक है ना चिकू? इतना बोझ लेके आए, कौन सी क्लास में बिठाऊं? कोई से में भी, जिसमें भी हो जाओ। चलो पहले अपने इंटरव्यू दो, पहले लिख के दिखाओ। पक्का ही पास है मैं पहले पढ़ाओ, फिर मैं शाम को आके होमवर्क लेके जाऊंगी, फिर मैं आके आपको दूंगी, फिर मैं थर्ड में कर देगी। तो फिर एक छोटा बच्चा भी लाना था ना साथ में? ये भी छोटा बच्चा ही, ये कौन सा दीदी कम है? बता यार चिकू, आती हूँ मैं चिकू। चच्ची को बता, चच्ची पढ़ने आई यार। कौन सी क्लास में रखना है? प्री नर्सरी। नहीं नहीं अकेले नहीं पढ़ूंगी मैं, चिकू तेरे साथ पढ़ने आई बहन भाई हम। पक्का पास होगी? आसान वाले सवाल देना मैम, ताकि मैं पास करवाएंगे। डर लग रहा है मुझे। चलो रोमन रोमन करके दिखाओ। मुझे अपने घर जाना है। अच्छा मैं भी खाने के लिए आई थी। चीकू सच बता दिया इसने अपना। बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है तुमसे, ना हो पाएगा। आंसर दो चीकू। बहन तू पास है, पास हो गई दीदी। सच्ची जैसा चच्ची आई थी खाने से ना चाची? चिकू को बैग पूरा मैंने ढूंढा, कुछ नहीं मिला। सच में बताऊं ये रास्ते में पूछ रही थी खाने में क्या मिलेगा। चिकू चाची क्या बोल रही थी रास्ते में? कि मैं को वहाँ पे जाके खाना ही है बस। मैं सच्चाई बोलनी जरूरी है चिकू? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बहन उसको डिफिकल्ट पढ़ाते हो, ये आसान वाला? ये तो छोटा तो छोटा। फर्स्ट क्या है, वो सेकंड क्या है, वो सिक्स्थ क्या है? ठीक है मैम मैं फर्स्ट वाले पढ़ूंगी। चिकू क्लास बदली चच्ची जो तेरी पंजाबी की बुक निकाल ले। चिकू चच्ची फिर से फंस गई। अब ऐसे थोड़ी ना होता है मैम, तो मुझे पंजाबी पढ़ानी लगी चच्ची। बहुत कठिन पंजाबी पढ़ना, पंजाबी लगाना सबसे छोटा बच्चा है, तो इसके पास बैठ के पढ़ूंगी। सबसे आसान साइज बहुत तेज हो रहा है, सबसे सरल वाला पढ़ता होगा। मैडम जी की कह रही थी, मैं कह रही हूँ जो बच्चा एग्जाम में फर्स्ट आता है उसको पिज्जा पार्टी भी मिलती है। हाँ मैं फर्स्ट आता मेरे को पिज्जा पार्टी मिली थी, तो मैं फर्स्ट पढ़ लेती हूँ, सबसे आसान है। नहीं इतना आसान नहीं है मैम, मैं पढ़ने आई हूँ तो मैं फर्स्ट आई जाऊंगी। आप मुझे होमवर्क दे दो, मैं आके आपको दिखाती हूँ किसी से करवा के लूंगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगा बहन, चिकू से करवा लूंगी। यहाँ टेस्ट लूंगी फिर, यहाँ किससे करवाओगे? अरे छापा दीदी, आजकल छापा लगता है वो। लगा लेगी चच्ची है बहन, होगी स्टडी। यार इससे अच्छा ट्यूशन मैंने कभी देखा ही नहीं है, जो भी देखो कुछ ना कुछ खाने को मिलते ही रहता है। आज तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई, अपने बुक्स नहीं लाए, आज मैं अपने बुक्स खरीद के लाऊंगी। एक सब गलत बात है तेरी, मेरे को लेके आ गया। निकी बहन देख आज की स्टडी तो होगी। कहाँ हो गई मेरी, अभी बाकी थी, 2 घंटे की क्लास होती है, अभी पता नहीं क्या क्या खाने। अरे कोई निकल खा लियो बहन, वो कह रही है ना अपे बना के देंगे तेरे को। अरे हो मैडम ने अपे बोले थे, ठीक है मैं कल भी आऊंगी। अभी मेरे को आज जैसे मैं चुकू को लेके ना मेरे को लेके चलियो। पक्का बहन मैं तेरे को याद दिला दूंगा, तो साथ चल दियो। तेरे को एक होमवर्क लेके आ जाऊंगी, फिर मैं होमवर्क भी नहीं लाई यार मैडम मेरे को। वो मैडम ने बोला था ना जो भी बच्चा पास होता है ना उसको मैं पीछे पार्टी देती, बता
वो भूल गई मैं। तेरे को पिज्जा पार्टी मिलेगी बहन, थोड़ा खिला देगी ना उसमें से पिज्जा? तो मैं खिला दूंगी, मेरा होमवर्क कर दिया करियो, ठीक है? वो अपन लक्ष्य बहन से करवा लेंगे, मस्त प्लान है। हाँ, होमवर्क किसी ना किसी से करवा लेंगे, वो तो करवाई नहीं है, हमारे घर में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम दे देंगे। फाइनली गाइस, जहाँ पे हमारे ऑयल की पैकिंग होती है, स्लिमिंग किट की पैकिंग होती है, मैं वहाँ आ चुकी हूँ। ये हमारे स्टाफ है सिमी और ललिता, इन्हीं लोगों से आप लोगों की बात होती है फोन पे। और अगर आपको कन्फर्म करना हो कि आपने सही जगह पे फोन लगाया है नहीं लगाया, आप वीडियो कॉल पे इनको चेक कर सकते हो, इनके फेस ये है। तो यही हमारा स्टाफ है, इसके अलावा कोई नहीं है। अगर आप कोई और बोलते हैं मैं पायल का स्टाफ हूँ, मैं कृतिका का स्टाफ हूँ, मैं अरमान का स्टाफ हूँ, तो वो हमारा स्टाफ नहीं है, हमारा यही स्टाफ है। और एक आपको यहाँ पे रिसेप्शन पे मिलेंगे पंकज भैया और सूरज भैया, और एक ये रोहित है, ये भी आपके ऑर्डर लेता है, प्लेस कराता है, सारे कोरियर वगैरह यही संभालता है। तो ये पांच का स्टाफ हमारा है। भाभी एक बात बताऊं, आए ना चची ना ट्यूशन चलेगी, और वहाँ पे जाते खाना शुरू कर दिया इसने, रास्ते में बोल दिया, कहती मैं तो खाने के लिए जा रही हूँ, और बोल रही थी मैडम मैंने पढ़ने आई हूँ आपके पास, और जाते खाना खाने बैठ गई, कहती मैं अब रोज आऊंगी, रोज पढ़ के जाऊंगी हाँ, और खाने के लिए, जब पढ़ने की उम्र थी तब तो पढ़ी नहीं, हाँ, और झूठ बोल रही थी उनको, कहती मैं डेली आऊंगी पढ़ने के लिए, मैं एडमिशन करवा लूंगी भाभी को बोल के। ठीक है, बुढ़ापे तक पढ़ते हैं, मैं इसलिए पढ़ने के लिए पता है उससे ज्यादा खाने के लिए मिलता है, पास हो जाता है उसको पिज्जा पार्टी देती है। मैं तो जितनी देर बैठी रही मैडम ने तो कुछ ना कुछ खिलाती रही। पिज्जा पार्टी के लिए एडमिशन करवाना चाहती है, क्या हो गया मेरे बच्चे को? इसको एडमिट करा दो यार, इसको अयान को एडमिट करा दो यार, ये परेशान हो रहा है, परेशान हो रहे थे आज, देखो उसके कहा हुआ है अनु, क्या हुआ भाई, बुखार हो रहे हैं, इसकी तबीयत खराब हो रही है, मेरी वजह से हुआ है, कल परसों मेरे को फीवर था ना, मेरे पास था ये, इसलिए मेरी वजह से हुआ। इसको भी हटा दो, ये भी नहीं मान रहा, जाओ उधर जाओ, ये तो बेहतर ही हाँ जाओ उधर, हाँ जाओ, अयान को दो बच्चों से अलग रखो, उसको कोल्ड हुआ है, इन दोनों को भी हो जाएगा, मुझे लग रहा है चीकू की वजह से हुआ है कोल्ड, तो भाभी क्वारंटाइन कर दे, क्वारंटाइन कर दे, जब तक सही होता है तब तक रूम से बाहर नहीं, घर में क्वारंटाइन रखो, किसी के कॉन्टेक्ट में नहीं आना है, अलग अलग कमरे में रहेंगे, एक एक बंदा साथ होगा ना, और एक ही दिन ठीक है। निक्की नीचे मत जाइयो आज, तुबा को लेके वो अलग कमरे में रहियो आज, ठीक है? ठीक है, तुबा की जिम्मेदारी तेरी, जैद की तेरी, आयान की, एक ही बोतल के पीछे लड़ जाने, दूसरी बोतल आओ, दूसरी लाके दे दो इनको, तो ये ले, लेके घूमी थी जैद को, इतने देर से चिड़ भाई, सुन भाई, सुन भाई, ये इसके पास था वो, देखो अच्छा दूसरी मंगा, दूसरी मंगा रही हूँ, ले बस नहीं आगे, ले भाग जा चल, वैसे आप इसको एहसास होने लगे तू बड़ा है, पहले मार खा लेता था, सबसे पिटता था पहले, मौन नहीं खांदा, ये कहा करती है, इतनी शक्ति कहाँ से लाती है, इतनी शक्ति कहाँ से लाती है तू, इतना बीमार होके भी अभी रो रहा था इतनी जोर जोर से, ये दे दो दीदी लग जाएगा किसी बच्चे को, रात भर रोया हो तो अभी इसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ, ट्यूशन से आ चुका हूँ, तो मैं अभी किसी बड़े की हेल्प से लेकर इसके सारे फेदर साफ कर दूंगा, फिर इसको पूरा ब्लैक, चीकू इरिटेट हो रहा है, बुखार है उसको, देख देख दे दे उसको बॉल, थोड़ी दे दे जी, थोड़ा दे दे, मार कर लगा हुआ है उसको, हाथ लगा के देखियो कितना फीवर है, है ना फीवर, तो फिर थोड़ी देर दे दे, कोई बात नहीं, थोड़ा देर फिर ले, मैं मार कर है, कोई बात नहीं, चीकू तू इतनी बात नहीं मान सकता छोटे भाई, दे दे यार वो रो रहा है चीकू, आज सुबह मैंने सुना है कि तू वो तो दीपक को उठा रहा था, दीपक उठ जा, बोल जा, बताया मुझे दीपक ने, मुझे नहीं उठाया तुमने, दूसरी मैं यहाँ सो रही थी बच्चों के साथ, ये वाली चादर बिछा दूँ, देख 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 इनमें थोड़ी जाएगा, ये थोड़ी जाएगा सिर में, ओ लाडू तू मेरा लाडू है, तेरे ऐसे थपेड़े मार, ऐसे थपेड़े मार, हेयर कट करवाने जा रही है, बताओ तू होगा, इसके पापा को इसके बल लंबे बाल कर नहीं काट सकते, तो आंखों पे आ रहे हैं ऐसे ऐसे। तो बस गाइस इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल, बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, जिसने अभी हेयर ऑयल और स्लिमिंग किट नहीं लिया है जल्दी जाके वो भी ले लो, स्टॉक जो है वो लिमिटेड है, यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, नंबर पर कॉल करके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।